नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आर क्लासेस में सत्तरवीं बीपीएससी पी निबंध मुहावरे एवं लोकोक्ति में आज जो अपना छठा टॉपिक है इसका नाम है हरबरी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर एक्चुअल में सिंदूर मांग में होना चाहिए लेकिन हरबरी में जो हो गया ये कनपट्टी पर हो गया इसका ऐसा ही कुछ भावार्थ है इसको विस्तार से देखेंगे अभी तक हम लोगों ने कुल पाँच टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और पांचों का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर नीचे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ जाके आप उसको पीडीएफ देख सकते हैं और अगर आपके समकक्ष कुछ भी ऐसा कुछ आता है जो कि जैसे पाँच टॉपिक आपने पढ़ा या आपने दस टॉपिक पढ़ लिया और करंट सैनरी में जो आपको लगता है कि ये वाला चीज़ इस टॉपिक से यहाँ पर एग्जांपल दिया जा सकता है तो उसको आप ज़रूर से जो है उसी पी में या कहीं पर आप साइड में लिख लीजिए क्योंकि जब आप ऐसे लेटेस्ट एग्जाम्पल को उसमें अगर मेंशन करेंगे तो यकीन मानिए जो है नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा ऐसा मेरा मानना है यहाँ तो हमें एक आइडिया लेने के लिए ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें अपना भी हमें कलाकारी दिखाना है तो आप ये मत सोचिए कि आप पहले वहाँ मतलब अगर आप सीरियस हैं तो आप अभी से इसको देख कंटिन्यू देख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि इसी चैनल पर आप देखें कहीं पर भी आप देखें यह सबसे अच्छा है कि आप कोई इस ये जो बुक है उसको आप ख़रीद लें और फिर आप खुद से उसको भी देख सकते हैं इसको शुरू करेंगे शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास वाले बेल आइकन को दबा लें एक और निवेदन है जो मेरे साथी इस वीडियो को देखते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं अब क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में हो सकता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा छोटा मोटा ही जो भी होगा वो आप लोग को पता चलता रहे या आप देखिए कितने लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं? अच्छी बात नहीं है ये हर वरी के ब्याह में कनपट्टी पर सिंदूर अपना टॉपिक है चलिए इसको शुरू करते हैं दो मिनट समय लिए उसके लिए माफी चाहते हैं कहता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। कि रे मन धीरे धीरे स्थिरता के साथ सच्चे मार्ग को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप चलें तो सब कुछ होगा आप रास्ते में राह में बीच मार्ग में कई बार आप गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे थक जाएंगे हार जाएंगे लेकिन अगर आप जो है धीरे धीरे आगे ही बढ़ने के लिए अग्रसर रहेंगे तो आप जो है उस चीज को निश्चित ही पालेंगे जिसके लिए आप कामना करते हैं जैसे कि माली सौ सौगढ़ माली जो है सौ घड़ा मतलब पानी बहुत पानी सींचता है लेकिन फल तभी आएगा जब उसकी जब उसका ऋतु आएगा ये इसका जो है अर्थ है आइए देखते हैं क्या कहता है भक्ति काल के महान कवि कभी। कबीर का यह दोहा स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्य को धीरे धीरे वह संयम भाव से करना चाहिए हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए संयम व एकाग्रता से किया गया कार्य ही सफल होता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप हम लोग अपने पढ़ने की मेहनत को ले लें या पढ़ने से तैयारी करने से लेकर के जॉब पाने तक का जो प्रक्रिया है इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है संयम एवं एकाग्रता जिस प्रकार माली सौ सौ घोड़ों से पेड़ों को सींचता है मगर उसके इस प्रकार के परिश्रम से फल की प्राप्ति नहीं होती ऋतु के आने से ही अर्थात मौसम परिवर्तन से ही पेड़ों पर फल आते हैं हालांकि इसका अब यह मतलब नहीं है कि माली उसमें पानी ना दे और ऋतु आएगा तो जो है फल आ जाएगा यह भी मतलब नहीं है मानव जीवन के संदर्भ में भी यह प्रक्रिया यथोचित प्रतीत होती है कहता है कि मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न चरणों को क्रमश एक एक करके ही पाता है प्रकृति भी किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करती है प्रकृति की एक निश्चित गति और संबंध कार्य होते हैं एक पौधे के उदाहरण से समझें तो क्या कहता है देखिए तो बीज से फल बनने की प्रक्रिया तो साधारण होती है किंतु उसे सही प्रकार से पकने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यकता के अनुरूप उसे पोषक तत्व प्रदान किए जाएं, उसे सही समय पर जल धूप खाद आदि यथोचित मात्रा में उपलब्ध कराए जाएं, तो ही जो है जिस चीज का हम, हम फल की प्राप्ति की कामना करते हैं तो ही हमें मिलेगा जब इन चीजों को समय समय पर हम लोग उसको देते रहेंगे कहता है कि यही प्रक्रिया मनुष्य की जीवन में भी लागू होती है मनुष्य सबसे पहले जब माता के गर्भ में होता है तो भ्रूण के रूप में होता है उसके बाद वह क्रमिक परिवर्तनों से गुजरते हुए कई सारे परिवर्तनों से गुजरते हुए नौ महीने बाद इस बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है फिर जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरकर अपनी अंतिम को अव अंतिम अवस्था को प्राप्त करता है माता के गर्भ से लेकर के अंतिम अवस्था मनुष्य की जो होती है इसके बीच में कई सारे चरण होते हैं आगे कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है किंतु हमारे लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है वर्तमान में यह बात शब्दशः सार्थक प्रतीत होती है आज मनुष्य धैर्य को छोड़कर अपने भोग विलास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक रूप से दोहन कर रहा है जिससे उसे भयावह परिणाम भोगने पड़ रहे हैं हम लोग देखते हैं बराबर कि प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल और डिवेंट चलने लगा धुंध ज़्यादा होने लगा ठंड ज़्यादा होने लगा गर्मी ज़्यादा पड़ने लगा जिसका रीज़न क्या है भोगविलास या आधुनिकता आगे कहता है लगभग प्रत्येक माह में विश्व के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास हेतु सम्मेलन होते रहते हैं बराबर आप सुनिएगा बहुत सारे एन हैं बहुत सारे सम्मेलन हैं बहुत सारे संगठन हैं जो कि पर्यावरण के लिए चिंतित रहते हैं और अलग अलग सम्मेलन करते रहते हैं कहता है कि कुछ कथित विकसित देशों ने विकास की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुन दोहन किया है जिससे वे स्वयं विकास की होड़ में आगे गय हो गए किंतु आज वही देश दुनिया भर के देशों से प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करने को कह रहे हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका उन्हें शायद यह नहीं समझ आया कि यदि हम प्रकृति के साथ साथ विकास करेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत कुछ छोड़कर जा पाएंगे लेकिन नहीं उन्हें तो सबसे आगे निकलना है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने आज से वर्षों पहले प्रकृति की कोई भी चिंता नहीं की उसका दमनकारी रूप से दोहन किया उसके संसाधनों का प्रयोग किया और आज जब उन्हें सब चीज़ प्राप्त हो गया तो अन्य देश जो अपने अपने हिसाब से कम कम स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें उनके द्वारा जो है नसीहत दी जाती है अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल किए जाते हैं कहता है धैर्यवान होना एक अच्छी विशेषता है जिसे हम अपने व्यक्तित्व में विकसित करना जिसे हमें अपने व्यक्तित्व में विकसित करना चाहिए कुछ लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं तो कुछ अल्पकालिक ऐसे में दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगातार संयमित रहते हुए लगातार किस तरह से संयमित रहते हुए परिश्रम करना एक जटिल कार्य है और ऐसा आप लगातार कंटिन्यू संयमित रह के तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर जो है आप में धैर्यवान का गुण हो कहता है धैर्य एक ऐसा गुण है जो मन को नियंत्रित करते हुए कार्य को बिना प्रभावित किए एक निश्चित दिशा में अभिप्रेरित करता है जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में इस गुण को विकसित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहते हुए वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है आप में धैर्य होना चाहिए आप लगातार मेहनत करते रहना चाहिए तो ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एडिटोरिया के प्रवीण सर हैं काफी लंबे समय तक जो है उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा और अंततः जो है लगातार और संयमित धैर्यवान होकर मेहनत करने के कारण वो आज कहाँ पर हैं कहता है इसके तर अधैर्यवान के लिए लक्ष्य की प्राप्ति भाग पर निर्भर रहने जैसा या अप्रिय घटना जैसा होता है अधैर्यवान है भाग पर दोष जो है मर दिया गया जल्दबाजी के परिणामों के उदाहरण हम प्रतिदिन समाचार पत्रों एवं टेलीविजन में आपदाओं एवं स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में देखते हैं कहता है परंतु वर्तमान में मनुष्य समस्याएं देखने के बाद उन पर खेद प्रकट कर पंखा कूलर या एसी कंडीशनर चलाकर सुकून की नींद भी लेता है उससे यह भी एहसास नहीं होता कि जितनी जल्दी उसने यह सब चलाकर जितनी ऊर्जा का उपयोग किया है उतनी ऊर्जा के निर्माण के लिए कितनी बड़ी मात्रा में कोयले का दहन किया गया होगा और उससे भारी मात्रा में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हुआ होगा कहता है कि बड़ी मात्रा में हानिकारक गैसों को पुनः प्रकृति में उत्सर्जित वह कर चुका होगा किंतु जल्दबाजी में ही उसने खबर देखी पढ़ी खेत प्रकट किया और पुनः जो है सामान्य हो गया उसके जीवन की यह जल्दबाजी उसकी आने वाली पीढ़ी को अंधकार में सुलाने के लिए उत्तरदायी हो सकती है अंततः आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य को हरवरी के ब्याह की स्थिति से बचने का प्रयास करते हुए समय परिस्थिति और प्रकृति आदि के अनुरूप ही जीवन की गति को चलने देना चाहिए वरना बाद में कनपट्टी में सिंदूर जैसी अवांछित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जिससे उसे यह प्रतीत हो सकता है कि जीवन में जीवन को मैंने जिया नहीं सिर्फ जल्दबाजी में व्यतीत किया है तो यह था आज का अपना टॉपिक उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें लेकिन आप इसको ज़रूर देखें कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ